हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल धृति होम साइंस टीजीटी पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वंशानुक्रम की प्रक्रिया, आज हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम का नियम। वैसे तो वंशानुक्रम का मुख्य रूप से 6 प्रकार से नियम है, लेकिन मेंडल का नियम हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी के 6 नियम जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम ऐसा चैप्टर है, इससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम का पहला नियम क्या है। वंशानुक्रम का जो पहला नियम है वो बीज कोष के निरंतरता का नियम है। ठीक है, बीज कोष के निरंतरता का नियम, वैसे तो इसका प्रतिपादक बीज बीज कोष को माना जाता है, इसके जन्मदाता, लेकिन सर्वप्रथम जो प्रसिद्ध फ्रांसीस विद्वान थे गाल्टन, उन्होंने 1745 में इसका प्रतिपादन कर दिया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए थे। तो इसी का समर्थन करते हुए बीज कोष ने एक सफल परीक्षण किया, और इसीलिए इनको बीज कोष को बीज कोष के निरंतरता के सिद्धांत के नियम का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो जो बीज कोष हैं, इन्होंने इनके अनुसार जो मूल जीवाणु होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो चूहों पर किया। ठीक है, ये क्या करते थे, चूहों की पूंछ काट देते थे और देखते थे कि जो उनसे संतानें उत्पन्न हो रही हैं क्या वो बिना पूंछ की हो रही हैं या फिर पूंछ के साथ हो रही हैं। तो उन्होंने पाया अपने इस प्रयोग में कि जो बिना कटे जो कटे हुए चूहे थे उनकी जो संतानें आ रही थी वो पूंछ सहित आ रही थी, मतलब कि पूंछ के साथ उनका जन्म हो रहा था। तो इस नियम से इन्होंने पाया कि अगर माता पिता में कोई कमी हो तो वो संतान में नहीं जा सकती। जैसे कि मान लीजिए ये जो बीज कोष के नियम का सिद्धांत है वो ये है कि जो मूल जीवाणु होता है, मूल जीवाणु का तात्पर्य यह है कि जो भी माता अथवा पिता के ओम या स्पर्म होते हैं उससे जो संतान निर्धारित होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता में कोई शारीरिक असक्षमता हो तो बालक में भी आएगी, क्योंकि ये उसके पूर्वजों से मिली होती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जब चूहों पे अपना प्रयोग किया तो पाया कि जिन चूहों की वो पूछ प्रेजेंट टाइम में काट दे रहे थे उनकी जो संतानें आ रही थी वो पूछ के सहित आ रही थी, उनमें ऐसा नहीं था कि बिना पूछ के आए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया, और यह नियम इसके इस नियम के अंतर्गत उन्होंने बताया कि अपने माता पिता से वही गुण बालक ग्रहण करता है जो उसके माता पिता अपने पूर्वजों से ग्रहण किए होते हैं। ये मूल जो जीवाणु होते हैं, मूल जो इनका संक्रमण होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है प्रक्रिया। आप लोग कभी देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे माता अथवा पिता कोई एक विकलांग होता है तो उनकी संतान जो होती है वो विकलांग नहीं होती है, बल्कि वो एकदम स्वस्थ होती है, अच्छी होती है। ये बीज कोष के ही निरंतरता का सिद्धांत है जिसके कारण ऐसा होता है। नहीं तो ऐसा सुनने में आता भी है कि जैसे जैसे माँ बाप रहते हैं वैसे ही उसकी संतान, तो ऐसा तभी होता है जैसे बौने लोगों को देखा होगा, तो बौना लोग जो जो होते हैं कुछ मतलब इसमें होता है कि अगर उनकी पीढ़ी पूर्वज अगर ऐसी रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, तभी उनके घरों में ऐसा आएगा, बौनेपन का शिकार आएगी, नहीं तो वो स्वस्थ और सामान्य औसत लंबाई के होंगे। ठीक है, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन लैमार्क ने किया था, और इन्होंने अपने नियम में बताया था कि माता पिता के कुछ अर्जित गुण शारीरिक एवं मानसिक गुण एवं दोष का संक्रमण संतान में होता है, किंतु वे ही गुण एवं दोष संक्रमित हो पाते हैं जिनका प्रभाव बीज कोषों पर पड़ता है।
इनके अनुसार मतलब माता पिता में सिर्फ और सिर्फ वही गुण ट्रांसफर होते हैं जो जिसका असर बीज कोष पे पड़ता है अथवा जायगोट पे पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण व्यवहार एवं संपूर्ण गुण एवं दोष माता पिता से बच्चों में नहीं आता है, दादा दादी से बच्चों में नहीं आता है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, वो कुछ गुण एवं दोष अर्जित लेकर के आता है और कुछ वो वातावरण में रह करके सीख जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि अपना जो प्रयोग है वो जिराफ पर किया था, ठीक है। उन्होंने पाया कि जो जिराफ थी उसकी गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी, किंतु वो वातावरण में, उसी वातावरण में रह करके जब लंबे लंबे पेड़ों से पत्तियां अपना सर उठा करके खाने के लिए तोड़ने लगा, तो क्या हुआ कि इसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी हो गई और इसकी आने वाली प्रजाति भी लंबी गर्दन लेकर के पैदा होने लगी। तो ये रहा लैमार्क का अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन के नियम का प्रतिपादन सोरेनसन ने दिया, और प्रत्यागमन से तात्पर्य होता है कि संतति में माता पिता से विपरीत गुणों का पाया जाना। प्रत्यागमन यानी कि माता पिता से विपरीत गुणों का पाया जाना ही प्रत्यागमन का नियम है। तो इस नियम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो बालक जन्म लेता है वो हो सकता है कि माता पिता उसके मंद बुद्धि के हों, और जो पुत्र अथवा पुत्री जन्म लेता है वो प्रखर बुद्धि का हो, और ये भी हो सकता है कि जो माता पिता है वो प्रखर बुद्धि के हों और उनसे जो पुत्र अथवा पुत्री जन्म लेता है वो मंद बुद्धि के हो। यही इस नियम का उदाहरण है, प्रत्यागमन के नियम का, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि दो कारण है, या तो जो वंश सूत्र है वो भली भांति मिश्रित ना हुए हो, या फिर जो माता पिता के सुप्त गुण बालक में जागृत हो गए हो। तो जो भी हम गुण होते हैं, जो वंश परंपरागत चलते हैं, वो मुख्य रूप से दो रूप में होते हैं, एक सुप्त रूप में और एक जागृत रूप में, ठीक है। तो क्या होता है, जब जागृत रूप में जो वंशावली गुण होते हैं वो माता पिता से बच्चों में आते हैं, तो उससे जो भी बच्चा जन्म लेता है उसमें माता पिता से संबंधित गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो वंशावली निर्धारित करने वाला अगर सुप्त गुण बालक के अंदर आता है, तो उससे जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है वो विपरीत गुणों का होता है। यानी कि अगर सुप्त स्थिति में बच्चा जन्म लेता है तो बालक उसके विपरीत दिशा में होगा, उसकी जो मानसिक बुद्धि लब्धि है वो सब कुछ उस विपरीत होगी, माता पिता से भिन्न होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सोरेनसन ने प्रत्यागमन का नियम दिया वो उसका अर्थ यह है कि माता पिता के विपरीत गुणों का बच्चा जन्म लेता है, तो उसी को हम प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट